नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जागर शर्मा और आज हम बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए दोनों की कंपैरिजन को चालू करते हैं। आज अपन कंपेयर करने ही वाले हैं पोको 60 और Oneplus F1 को। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो देखा जाए तो पोको F1 जो है वो Oneplus 60 से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इवेंचुअली इनके जो प्राइस का गैप है वही भयंकर वाला है। पोको F1 का बेस वेरियंट जो है वो 21,000 का आता है और Oneplus 60 का जो बेस वेरियंट है वो 37,000 का आता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली वो उससे ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अपन इस वाली वीडियो में देखेंगे कि वो कहां से कहां तक Oneplus 60 को अच्छी से अच्छी टक्कर दे पाता है। तो बस स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। जो डिज़ाइन है पोको F1 का वो प्लास्टिक बिल्ड है, वो लोग पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं लेकिन होता है वो सब प्लास्टिक ही है। तो प्लास्टिक बिल्ड पीछे की तरफ दे रखी है, हालांकि Oneplus 60 के अंदर आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है। आगे की तरफ भी दोनों के अंदर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन तो है ही सही, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह जो है वो पोको F1 के अंदर मेरे को देखने को मिल गए हैं और Oneplus 60 में भी जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो मुझे देखने को मिल गए हैं बिल्कुल लाइट यूवीसीज पर ही। हालांकि पोको F1 के अंदर कोई भी जो स्क्रीन गार्ड टेम्पर्ड ग्लास वगैरह चढ़ा हुआ नहीं आता है, हालांकि Oneplus 60 के अंदर एक बहुत पतला सा स्क्रीन गार्ड जो है वो डब्बे के अंदर से ही चढ़ा हुआ आता है। साथ में ही Oneplus 60 के साथ और पोको F1 दोनों के साथ एक बैक कवर फ्री आता है, लेकिन पोको F1 का जो बैक कवर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। Oneplus 60 का बैक कवर अच्छा है, ये थिक भी है और इसके जो लिप्स हैं जो आगे की स्क्रीन को भी हल्का सा प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि पोको F1 में अपने को देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करें नीचे की तो दोनों के दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको स्पीकर और USB टाइप सी देखने को मिलती है। हालांकि USB टाइप सी जो है जो Oneplus 60 के अंदर है वो USB टाइप सी वाले ईयरफोन्स भी सपोर्ट करती है। पोको F1 के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि उसके अंदर हेडफोन जैक आता है जो कि Oneplus 60 के अंदर नहीं आता है। हालांकि Oneplus 60 के अंदर आपको अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलता है जो कि पोको F1 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करें डिस्प्ले की, पोको F1 के अंदर 6.18 इंच की डिस्प्ले आती है, Oneplus 60 के अंदर 6.28 इंच की डिस्प्ले आती है। अब पोको F1 के अंदर IPS LCD पैनल आता है और Oneplus 60 के अंदर आता है AMOLED पैनल। AMOLED पैनल जो है वो धूप वगैरह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सही दिखाता है और बैटरी लाइफ को भी थोड़ा सा जो है आपकी बचाता है, क्योंकि Oneplus 60 के अंदर डार्क मोड भी आता है और जो ब्लैक वाली चीज़ें होती हैं उनकी जो LEDs होती हैं बंद हो जाती हैं। हालांकि IPS LCD डिस्प्ले के अंदर ऐसा नहीं होता है, ब्लैक LEDs ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करती हैं तो ट्रू ब्लैक का एक्सपीरियंस भी नहीं दे पाती, और ओवरऑल AMOLED डिस्प्ले जो है वो IPS LCD डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की होती है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो फिर डिस्प्ले जो है Oneplus 60 की बिल्कुल H2H आ जाती है और इन लोगों ने इस बार चिन जो है वो भी बहुत ज़्यादा पतली कर दी है, लेकिन पोको F1 के अंदर ऐसा नहीं है। जो बार जो कोने वाली बेजल्स हैं वो तो मोटी हैं ही सही, साथ में चिन भी बहुत ज़्यादा मोटी है और जो नॉच है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। Oneplus 60 के अंदर तो टीयर ड्रॉप नॉच आती है जो कि छोटी से छोटी नॉच है, लेकिन ऐसा पोको F1 के अंदर नहीं है। तो फिर डिज़ाइन के अंदर तो पोको F1 की लूजिंग ही है और Oneplus 60 ही विनर है। अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो दोनों के अंदर 2.8 GHz का octa-core स्नैपड्रैगन 845 SoC प्रोसेसर आता है, जो कि बेस्ट इन क्लास है अभी फिलहाल के लिए। सिर्फ और सिर्फ हुआवे मेट 20 प्रो ही है जिसके अंदर जो है वो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन उसके अंदर कायरन आता है। स्नैपड्रैगन के अंदर ये बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर है जो कि दोनों के दोनों फ़ोन्स के अंदर आता है। सेम टू सेम जो परफॉर्मेंस है दोनों के दोनों फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो गेम्स हैं वो बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में चलते हैं बिना कोई अटके बिना कोई लैग हुए। हालांकि परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस जो है वो दोनों के अंदर सही है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की UI की, तो Oneplus 6 के अंदर आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार और स्टॉक टू एंड्रॉयड है। हालांकि पोको F1 के अंदर आपको MIUI देखने को मिलती है, जिसको आप रूट करके आप अपनी मनपसंद रोम डाल ही सकते हो, लेकिन जिन लोगों को रूटिंग के बारे में नहीं पता XDA के बारे में नहीं पता वो लोग जो हैं वो MIUI ही चलाते हैं, जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती। उसके अंदर पोको लॉन्चर आता है जो कि फिर भी काफ़ी ज़्यादा उसको एक तरीके से अपनापन की फील देता है और MIUI की तरह आपको स्लाइड नहीं करनी पड़ती, होम स्क्रीन सी उसके अंदर बकायदा ऐप ड्रॉअर भी आता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना अपना Oneplus 60 आता है। और साथ में उसके अंदर जेस्चर्स आते हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब कि साइड से मतलब बैक करना मेरे को बिल्कुल भी वो सही नहीं लगा जितना मुझे Oneplus 60 के जेस्चर्स अच्छे लगते हैं। और साथ ही जब आपको भी कोई भी गेम खेलते हो पोको F1 के अंदर, तो फिर आप जब भी तो बकायदे जो आपके नेविगेशन जेस्चर्स होते हैं वो भी एक तरीके से रोटेट हो जाते हैं, जो कि Oneplus 60 के अंदर नहीं होते हैं, तो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो UI के अंदर तो हमेशा से ऑक्सीजन OS मेरा फेवरेट था, हालांकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेज होती हैं। कुछ लोगों को MIUI 10 अच्छी लगती है, कुछ लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड अच्छा लगता है। हालांकि Oneplus 6 के अंदर आपको ऐप लॉक वगैरह देखने को मिलता है जो कि आपको पोको के अंदर भी देखने को मिलता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों के दोनों फ़ोन के अंदर जैसे सेम
टू सेम है, जैसे कि पैरेलल ऐप्स हो गए, आपकी ऐप हाइडिंग वाली चीज़ें हो गई, वो सारी की सारी आपको एम आई में भी देखने को मिलेंगी और वन प्लस में भी देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ इसके कैमरे की, तो वाकई में जो वन प्लस 60 है वो बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस देता है कैमरे के अंदर। वन प्लस 60 का आगे वाला कैमरा 16 मेगापिक्सल है, पोको F1 का जो आगे वाला कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है। इवेंचुअली फिर भी जो वन प्लस 6 है वो कैमरे के अंदर आगे वाले में भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब तो स्टूडियो लाइटिंग भी आ गई वन प्लस 6 के कैमरे के अंदर, जो वाकई में धांसू परफॉर्मेंस देता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि पोको F1 बहुत वाहियात परफॉर्मेंस देता है, पोको F1 भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर वाली परफॉर्मेंस देता है दोनों आगे वाले कैमरे में और पीछे वाले कैमरे में। दोनों के अंदर जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी एक नंबर है। वन प्लस 60 के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है और दोनों के दोनों जो है वो 4K रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। यहाँ पीछे की तरफ आपको पोको F1 के अंदर 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मिलेगा और वन प्लस 60 में आपको 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और वाकई में जो नाइट के अंदर फोटोज लेता है, पहले मैंने जो बोला था कि वन प्लस 6 से ज़्यादा अच्छी जो नाइट के अंदर फोटो देता है पोको F1 लेता है, लेकिन क्योंकि वन प्लस 60 के अंदर नाइट मोड आ चुका है इसलिए मैं साफ बोल सकता हूँ कि वन प्लस 60 जो है वो ज़्यादा अच्छी फोटोज लेता है नाइट के अंदर पोको F1 के कंपैरिजन में। यहाँ बैटरी जो है वो आपको 3700 mAh की देखने को मिलती है वन प्लस 60 के अंदर, 25% ज़्यादा है वन प्लस 6 से। और पोको F1 के अंदर 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। हालांकि ऑक्सीजन वाइज काफ़ी ज़्यादा शानदार ऑप्टिमाइजेशन करता है बैटरी का, लेकिन फिर भी दोनों की जो बैटरी है वो लगभग सेम टू सेम स्क्रीन ऑन टाइम ही देती हैं। और साथ ही साथ जो वन प्लस 60 है उसके अंदर डैश चार्ज भी है, तो बहुत ज़्यादा तेज चार्ज कर देता है ये पोको F1 के मुकाबले में। हालांकि दोनों इधर फोन के अंदर आपको ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स देखने को मिलते हैं डबल टैप वाले वगैरह। साथ ही साथ अगर मैं गेमिंग वगैरह की ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो पोको F1 जो है वो पूरा का पूरा नॉच के अंदर भी चलाता है पबजी वगैरह बिना कोई परमिशन एक्स्ट्रा मांगे, और वन प्लस 6 जो है 60 जो है वो थोड़ा सा कट करके चलाता है अपने पबजी को, जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के अंदर। और पोको F1 के अंदर आप चाहो तो अपने जो सिम का एक बलिदान देके अपना SD कार्ड भी लगा सकते हो, एक अपनी स्टोरेज को है बढ़ा सकते हो। वन प्लस 6 के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, SD कार्ड का कोई स्लॉट नहीं है, आपको दो सिम से ही गुजारा करना पड़ेगा और हायर GB वाला वेरियंट लेना पड़ेगा अगर आप मूवीज़ वगैरह सब कुछ अपने फ़ोन में ही रखते हो। पोको F1 के अंदर आता है आपका नॉर्मल स्क्रीन, आपका नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि आपका पीछे की तरफ दे रखा है। हालांकि वन प्लस 60 के अंदर ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ नहीं है। ऑब्वियसली पोको फ़ोन के अंदर का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ज़्यादा तेज़ है वन प्लस 60 के फिंगरप्रिंट सेंसर से। हालांकि अगर मैं बात करूँ फेस अनलॉक की, जो फेस अनलॉक जो है वो वन प्लस 60 का ज़्यादा तेज़ है पोको F1 के मुकाबले, लेकिन वन प्लस 60 का जो फेस अनलॉक है वो रात को नहीं खोल पाता है, उसको पूरी पूरी जो स्क्रीन है उसको लाइट अप करना पड़ता है जो कि आपके जला देता है। लेकिन पोको F1 जो है वो गुप्त अंधेरे में बिना स्क्रीन लाइट अप करे आपका जो फिंग फेस है उसको रिकॉग्नाइज करके खोल सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ बात है। तो कुल मिला के मुझको लग रहा था कि वन प्लस 60 की जो प्राइस होगी वो पोको F1 या फिर आसू जेनफोन 5G से थोड़े कॉम्पिटिशन में थोड़ी सी सस्ती रखेंगे ये लोग, लेकिन ऐसा वन प्लस वालों ने नहीं करा। उनका प्लान तो डायरेक्ट फ्लैगशिप वालों फ़ोन को ही फोकस करने का है, तो फिर इवेंचुअली जो वन प्लस 6 की जो प्राइस है वो ज़्यादा है पोको F1 से, लेकिन जो पोको F1 है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मुकाबला और टक्कर देता है वन प्लस 60 को। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो अगर आपका बजट जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 से 30,000 है, आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन आपको फिर भी बेस्ट इन क्लास फ़ोन चाहिए तो फिर पोको F1 आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको वन प्लस 60 चाहिए जिसके अंदर हेडफोन जैक नहीं है, लेकिन इसका डिज़ाइन एक नंबर है, इसका कैमरा एक नंबर है, इसकी डिस्प्ले एक नंबर है, तो फिर आप वन प्लस 60 के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको हेडफोन जैक चाहिए, आपको सब कुछ यही का यही चाहिए, साथ में साथ जल्दी फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक करने के लिए चाहिए, तो फिर आप वन प्लस 6 को भी स्विच कर सकते हो। वन प्लस 6 भी एक नंबर फ़ोन है अभी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। तो यही था मेरा रिव्यू पोको F1 वर्सेस वन प्लस 60 के ऊपर। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो भाइयों। दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद भाई। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि पोको F1 जो है वो वन प्लस 60 से भौकरे तो तेज हो रहा है इस बार भाई। देखा जाए तो पोको F1 जो है वो वन प्लस इतना तेज हॉर्न क्यों मार रहे हैं ट्रेन वाला ही। तो देखा जाए तो पोको F1 जो है एनिमेशन देता है, 3-4 वॉलपेपर्स में ही ये वाला एनिमेशन आपको देखने को मिलता है और किसी भी वॉलपेपर में आपको देखने को नहीं मिलता है। और आप इसको कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल वॉलपेपर वाली सेटिंग में जाना है, अपना वॉलपेपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लास्ट में ये 3 वॉलपेपर दे रखे हैं जिसके ऊपर ये अजीब से माउंटेन टाइप सा बन रहा है, अजीब सी लाइन बन रही है जैसे कि किसी का दिल धड़क रहा हो। तो उस वाले वॉलपेपर को सेलेक्ट करते हो जब आप और फिर बाहर रहते हो और फिर सेलेक्ट कर देते हो और फिर जैसे ही आप उसके अपने लॉक को खोलते हो तो फिर ये अजीब सा एनिमेशन देता है जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार फील देता है।
ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन का फील देता है एक बार को देखने में। पहली चीज जो इस वाले फोन के अंदर है वो है OnePlus स्विच। अगर आप कोई नॉर्मल फोन से आपने दूसरे OnePlus के फोन के अंदर आप नया फोन लिया है उसके अंदर आपने सारी सारी चीजें जो ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको शेयर एंड सेंडर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, OnePlus स्विच से ही इसको डायरेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर एक और शानदार वाला फीचर आता है वो है 3-finger gesture screenshot। ये आपको सेटिंग्स में जाके अनेबल करना पड़ता है, लेकिन एक बार अनेबल करने के बाद आप नॉर्मल स्क्रीन से आपको कोई बार बार पावर बटन या फिर बैक बटन